यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों ने अभी तक 7th रिविजन लेक्चर है वो ऑलरेडी आपने देख चुके होंगे। ये आपके लिए 8th नंबर रिविजन लेक्चर है, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट रिविजन लेक्चर है जिसमें सिर्फ मैं ही दिख रहा था, आईपैड नहीं दिख रहा था। आप बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हमको जब आईपैड साथ में दिखेगा, हमको नोट साथ में दिखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस लेक्चर में आपको साथ में आईपैड चलेगा, आपको साथ में नोट्स दिखेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा वाला पार्ट है जहां पे मैं दिख रहा हूँ वो वाले पार्ट कट होगा, क्योंकि मैं मुंबई में नहीं हूँ। जो मेरा अपना नॉर्मल जो मेरा स्टूडियो है, मैं मुंबई में अवेलेबल नहीं हूँ। अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो जैसे ही मैं मुंबई चला जाऊंगा तो आपके जो नेक्स्ट दो रिविजन लेक्चर होने वाले हैं, दैट इज रिविजन लेक्चर नंबर 9 और 10, वो दोनों रिविजन लेक्चर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड लूंगा। जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला जो 30 मार्क्स का पार्ट है, वो तुम्हारा लेक्चर नंबर 9 और 10 रहने वाला है। आज का रिविजन लेक्चर है, हम छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे, जैसे अपील एंड रिविजन है, सेटलमेंट कमीशन है, तो वैसे टॉपिक को आज हम रिवाइज करेंगे। तो आज प्लीज आप इस फॉर्मेट में मैनेज करना, लेकिन नेक्स्ट जो दो रिविजन लेक्चर है, जैसे ही मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, आपको सेकेंड या थर्ड को आपको नेक्स्ट दो रिविजन लेक्चर है वो दोनों मिल जाएंगे, जो कि आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज अपील एंड रिविजन। अब एक बात समझना, अपील जो होती है वो अपील चार लेवल पे होती है। सबसे पहली अपील होती है वो कहां पे होती है? सीआईटी अपील। सेकंड अपील होती है वो आईटेट में होती है, उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। सीआईटी अपील कब तक फाइल करनी पड़ती है? 30 डेज का टाइम लिमिट होता है, आईटेट का 60 डेज का, हाईकोर्ट का 120 डेज का, और सुप्रीम कोर्ट का 90 डेज का टाइम लिमिट होता है। एक चीज समझना, लेकिन 5 ऑर्डर ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। There are 5 orders और वो 5 order ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। सर कौन कौन से 5 order होते हैं जिसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते? सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको 234 ABC का इंटरेस्ट लगाया तो उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते, या फिर आपका 264 का रिविजनल ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते, सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते, और अगर आईटेट का क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे ऑर्डर आया तो आप अपील नहीं कर सकते। हाईकोर्ट में आप तभी जा सकते हो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो आईटेट है वो तुम्हारी लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी रहेगी। आईटेट का अगर फैक्ट पे कोई भी ऑर्डर आया तो उसके अगेंस्ट में आप लोग हाईकोर्ट में नहीं जा सकते। हाईकोर्ट में तभी जा सकते हैं जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए या क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि 5 ऑर्डर ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। पहला 234 ABC इंटरेस्ट लगाया उसके अगेंस्ट में, या फिर 264 का रिविजनल ऑर्डर आया, या फिर तुम्हारा जो भी आईटेट का ऑर्डर आया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ऑर्डर आया, सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर आया, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते। सबसे पहली अपील अपन सीखने वाले हैं, दैट इज द सीआईटी अपील। अब एक चीज समझना, सीआईटी अपील कौन फाइल करता है? सीआईटी अपील है वो सिर्फ एसएससी फाइल करता है, डिपार्टमेंट खुद फाइल नहीं करेगा। डिपार्टमेंट ने ही ऑर्डर पास किया और डिपार्टमेंट क्या खुद ही अपील फाइल कर सकता है? आंसर इज नो। सीआईटी अपील है वो सिर्फ एसएससी फाइल कर सकता है, लेकिन सर सीआईटी अपील फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है? तो जैसे ही एसएससी को जो ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर मिलने के एग्जैक्टली 30 डेज के अंदर अंदर उसको सीआईटी अपील फाइल करनी पड़ती है। लेकिन सीआईटी अगर डिले होता है तो उसको कंडोन कर सकता है। अगर सीआईटी को लगता है कि जेन्युइन रीजन है और जेन्युइन रीजन की वजह से डिले हुआ है तो वहां पे आपका जो डिले है वो कंडोन हो सकता है। एक और चीज समझना, सीआईटी अपील फाइल होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो सीआईटी अपील का फॉर्मेट होता है एक फॉर्म नंबर 35 लेना पड़ता है। फॉर्म नंबर 35 ले लो, उसके साथ साथ पे आप जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा रहे हो, जिस ऑर्डर या इंटीमेशन के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो, उसका कॉपी आपको साथ में लगाना पड़ता है। उसके साथ साथ में आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगानी पड़ती है, वन इज द ग्राउंड्स ऑफ अपील और वन इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या होता है कि आपके केस में क्या क्या फैक्ट है वो फैक्ट को बता दो, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। और ग्राउंड्स ऑफ अपील का मतलब होता है आप कौन से बेसिस पे आप अपील में जा रहे हो, तो वहां पर आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील भी लगाना पड़ता है। ये पूरे सेट को, ग्राउंड्स ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, आपका जो ऑर्डर था वो ऑर्डर का कॉपी, फॉर्म नंबर 35, उसके साथ में प्रिस्क्राइब फीस होती है, वो फीस भी आपको साथ में फाइल करनी पड़ती है। एक चीज बता दूं, इस पूरे सेट को बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अपील। क्या बोला जाता है? मेमोरेंडम ऑफ अपील। और वो डुप्लीकेट मतलब दो कॉपी में आपको वहां पे देके आना पड़ता है। अब एक और चीज समझना सर, सीआईटी अपील जो है वो अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा? तो सीआईटी अपील हैज टू पास ऑर्डर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील वॉज रिसीव्ड। मतलब जब अपील फाइल हुई है बेसिकली, उसको उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है वेयर एवर पॉसिबल। वेयर एवर पॉसिबल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर उसको पॉसिबल है तो क्या उसके बाद में 2 साल 3 साल 4 साल में भी ऑर्डर दे सकता है? आंसर इज यस। 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल में भी ऑर्डर दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो टाइम लिमिट दे रखी है वो एडवाइजरी टाइम लिमिट है, वो मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है। अब क्वेश्चन ही आता है सर कौन कौन से ऐसे ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील में जा सकते हो? तो सबसे पहला, अगर असेसिंग ऑफिसर का कोई भी ऑर्डर है, या तो 143(3) का ऑर्डर है, 144 का ऑर्डर है, 147 का ऑर्डर है, 153(a) का ऑर्डर है, या फिर कोई भी रिविजनल ऑर्डर है,
सॉरी जो क्या बोलते हैं रेक्टिफाइड ऑर्डर है, रेक्टिफाइड ऑर्डर जो 154 में होता है उसके अगेंस्ट में भी अगर एओ ने रेक्टिफाई किया है तो आप सीधा सीआईटी अपील में जा सकते हो। तो देखो सीआईटी अपील में कौन कौन से ऑर्डर जा सकते हैं, या तो एओ का ऑर्डर, एओ का ऑर्डर कौन सा, या तो 143(3) वाला, 144 वाला, 147 वाला, 153A वाला, या फिर जो रेक्टिफाइड ऑर्डर होता है 154 में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, या फिर कोई इंटीमेशन आती है। इंटीमेशन कौन सी, नॉर्मल 143(1) की इंटीमेशन या फिर टीडीएस टीसीएस इंटीमेशन आती है तो उसके अगेंस्ट में भी आप सीधा अपील में जा सकते हो, कहां पे, सीआईटी अपील में। एक और चीज समझना, यहां पे बेटा जो भी तुम्हारे एओ का और भी कोई ऑर्डर है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सीधा आप कहां जा सकते हो, सीआईटी अपील में। एक और चीज समझना, जैसे ही आप सीआईटी अपील में जाते हो, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि एओ ने क्या किया कि एओ ने आपका ऑर्डर पास किया और एओ ने कोई डिमांड निकाली और डिमांड नोटिस भेजा 156 में, तो जैसे ही आप सीआईटी अपील में जाते हो तो क्या वो डिमांड आपको पे करनी पड़ेगी या उस डिमांड पे आप स्टे ले सकते हो? आंसर इस डिमांड पे आप स्टे ले सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, या तो एओ से स्टे ले सकते हो, एओ को बोल सकते हो कि भाई हम आगे जाके अपील में जा रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डिमांड पे आप स्टे दे दो, या फिर सीआईटी अपील से आप रिक्वेस्ट करोगे तो सीआईटी अपील भी स्टे देता है। मेनी टाइम क्या होता है, आपसे ये बोलते हैं कि कुछ अमाउंट आप अभी पे कर दो और कुछ अमाउंट पे हम स्टे दे सकते हैं, तो ऐसा नॉर्मली होता है। नेक्स्ट अपील होती है, दैट इज कॉल्ड अपील टू द आईटेट। आईटेट का मतलब होता है ट्रिब्यूनल अपील, दैट इज इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन जाता है, या तो एसएससी जाएगा या डिपार्टमेंट जाएगा। अगर एसएससी जाएगा या डिपार्टमेंट जाएगा, लेकिन एक चीज समझना, सीआईटी अपील में हमेशा एक ही जज होता है और एक ही सीआईटी अपील एक सिंगल मेंबर पर्सन होता है करके, ठीक है, सिंगल पर्सन होता है जो जजमेंट देता है, लेकिन आईटेट में बेंचेस लगती है। बेंचेस का मतलब यहां पे ये होता है कि आईटेट में जो पैनल ऑफ जजेस होता है उसमें बहुत सारे जजेस होते हैं। सर कितने जजेस होते हैं आईटेट में, मैं बता दूं, आईटेट में नॉर्मली हर केस में दो जजेस रहेंगे करके, ठीक है, एक तुम्हारा रेवेन्यू मेंबर रहेगा और एक तुम्हारा अकाउंटेंट मेंबर रहेगा, एक रेवेन्यू मेंबर, एक अकाउंटेंट मेंबर। जो भी दो जजेस की बेंच होती है उसको बोला जाता है डिविजनल बेंच। लेकिन बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटे-छोटे केसेस होते हैं, मतलब जहां पे जो इनकम इन्वॉल्व है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, जो इनकम इन्वॉल्व है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वहां पे जो सिंगल मेंबर, मतलब एक मेंबर की जो बेंच होती है, मतलब एक जो जज होता है वो भी जजमेंट दे सकता है करके, ठीक है। जहां 50 लाख से ज्यादा का इनकम इन्वॉल्व नहीं है वहां पे सिंगल मेंबर बेंच, मतलब एक जज जो होता है वो भी अपना जजमेंट दे सकता है। लेकिन जहां पे भी 3 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, 9 मेंबर, 11 मेंबर, 13 मेंबर होते हैं उसको बोला जाता है स्पेशल बेंच। क्या बोला जाता है? स्पेशल बेंच। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि बॉम्बे आईटेट का स्पेशल बेंच का जजमेंट है, तो स्पेशल बेंच किसको बोला जाता है, जिसमें 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे मेंबर होते हैं, उतने मेंबर का जजमेंट होता है, उसको बोला जाता है स्पेशल बेंच। तो देखो सिंगल मेंबर की बेंच जजमेंट तब देती है जब केस बहुत छोटा है, वहां पे एक ही जज होता है करके, ठीक है, जहां 50 लाख से ज्यादा का इनकम इन्वॉल्व नहीं है। नॉर्मली डिविजनल बेंच होती है और स्पेशल बेंच होती है बहुत सारे स्पेशल केसेस में। अब एक और चीज समझना, सर आईटेट में कब तक अपील करना पड़ता है, तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आईटेट में अपील में जा रहे हो, जैसे ही वो ऑर्डर आपको रिसीव होता है 60 डेज के अंदर अंदर आपको आईटेट में अपील करना पड़ता है। अब एक और चीज समझना, सर अपील कैसे फाइल करनी पड़ती है, तो आईटेट में अपील कैसे फाइल करोगे, जैसे सीआईटी अपील में फॉर्म नंबर 35 था, यहां पे फॉर्म नंबर 36 होगा। फॉर्म नंबर 36 के साथ में जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो उस ऑर्डर का कॉपी लगा लो, उसके साथ साथ में मेमोरेंडम ऑफ क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड्स ऑफ अपील और जो फाइलिंग फीस होती है उस पूरे सेट को बोला जाता है स्टेटमेंट, उसको पूरे को बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अपील, और ये साथ में आपको ट्रिप्लीकेट, मतलब 3 कॉपी में वहां पे फाइल करना पड़ता है। अब एक और चीज समझना, सर आईटेट अपना जजमेंट कब देगी, तो आईटेट जजमेंट कब देगी, जैसे ही आपने आईटेट में अपील फाइल की उस ईयर के एंड से 4 साल के अंदर अंदर, बट वेर एवर पॉसिबल। वेर एवर पॉसिबल का मतलब यहां पे ये होता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर पॉसिबल हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो टाइम लिमिट है ये भी तुम्हारी एडवाइजरी टाइम लिमिट है, ये भी मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है। अगर उनको लगता है तो वो 4 साल में देंगे, लेकिन मान लो 4 साल में नहीं भी हो पाता तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में भी दे सकते हैं। आंसर इज यस, आईटेट है वो 10 साल बाद भी जजमेंट दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज समझना, सर आईटेट में कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जाते हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में हम आईटेट में अपील जाते हैं, तो सबसे पहले सीआईटी अपील का ऑर्डर आया, जो सीआईटी अपील है वो सीआईटी अपील का ऑर्डर आया तो सीधा आप आईटेट में जाओगे। दूसरा, अगर मान लो एओ ने ऑर्डर पास किया था विद द डायरेक्शन ऑफ द डीआरपी, डीआरपी एक कंसेप्ट आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल क्या होता था कि जो फॉरेन कंपनी का अगर असेसमेंट कंप्लीट कर रहे हैं या किसी का टीपीओ को केस ट्रांसफर हुआ था, टीपीओ की वजह से आप डीआरपी के पास जाते थे और जो डीआरपी डायरेक्शन देती थी उसके बेस पे एओ असेसमेंट ऑर्डर पास करता था, तो अगर एओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया ड्यू टू द डीआरपी डायरेक्शन तो उस केस में डायरेक्ट अपील कहां पे होगी, आईटेट में होगी। उसके बाद में जो तुम्हारा 263 का रिविजनल ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में भी अपील सीधी कहां पे होती है, आईटेट में होती है। एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारा सीआईटी पीसीआईटी के अप्रूवल से जो ऑर्डर पास हुआ अंडर सेक्शन 144 बी है, दैट इज कॉल्ड गार वाले प्रोविजन में करके, ठीक है, अगर आपका जो अरेंजमेंट है वो इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट माना गया और उसके डायरेक्शन के हिसाब से ऑर्डर पास हुआ तो सीधा आप आईटेट में अपील में जा सकते हो, या फिर तुम्हारे सीआईटी सीसीआईटी डीआईटी डीजीआईटी का कोई भी ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में सीधा आप अपील में कहां पे जा सकते हो, आईटेट में। जैसे किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कौन कैंसिल करता है, सीआईटी कमिश्नर कैंसिल करता है, तो अपील में सीधा आप कहां पे जाओगे, सीधा आप आईटेट पे चले जाओगे, अगर अपील में है वो सीधा आप आईटेट में जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सर स्टे ऑफ डिमांड। सर ये स्टे ऑफ डिमांड क्या होता है समझने की कोशिश करना, स्टे ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है
कि सर अगर आईटेट में गए और मान लो कोई डिमांड निकली हुई है, आप केस हार गए थे आगे सीआईटी में और मान लो डिमांड निकल गई करके, ठीक है, तो क्या उस पे स्टे दे सकता है आईटेट? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं बता दूं आईटेट के पास भी ये पावर है, आईटेट भी स्टे दे सकता है, आईटेट भी स्टे दे सकता है, लेकिन आईटेट स्टे कितना दे सकता है बताया, मैक्सिमम 180 डेज का। आईटेट जो स्टे दे सकता है वो मैक्सिमम 180 डेज का दे सकता है, लेकिन अगर 180 डेज के अंदर अंदर भी आपकी अपील सॉल्व नहीं होती है, मतलब जो अपील का जजमेंट है वो 180 डेज में नहीं आता, और उसमें अगर एसएससी की गलती नहीं है, There is no default of the assessee, तो उस केस में ITAT है, वो extension भी दे सकती है। लेकिन समझना जो तुम्हारा original time और extended दोनों मिला के कभी भी 365 days से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये exam में बहुत बार question आया हुआ है, क्या ITAT है वो stay of demand दे सकता है या नहीं? Stay of demand का मतलब क्या होता है? आपकी जो demand निकली हुई है उस पर रोक लगाना। तो क्या stay of demand ITAT दे सकता है? Answer is yes, ITAT stay of demand दे सकता है, लेकिन ITAT maximum कितने दिन के लिए दे सकता है? 180 days के लिए। बट अगर 180 days में अगर मान लो अपील सॉल्व नहीं होती है और उसमें assessee की कोई भी गलती नहीं है, assessee की गलती कब हो सकती है? जैसे मान लो ITAT का एग्जाम कि 180 डेज में आपको हियरिंग के लिए डेट दी लेकिन आप गए नहीं दर, तो वहां गलती किसकी? एसएससी की गलती है, तो उस केस में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बट अगर एसएससी की गलती नहीं है तो एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन टोटल टाइम ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड दोनों मिला के कभी भी 365 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक और चीज समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर ऑफ द सीआईटी अपील एंड आईटेट। सर सीआईटी अपील और आईटेट के पावर में क्या फर्क होता है? सबसे पहली चीज ये कि क्या ये असेसमेंट को एनहांस कर सकते हैं? क्या असेसमेंट को एनहांस करने का मतलब ये होता है कि असेसिंग ऑफिसर ने मान लो इनकम कर दी 20 लाख, क्या सीआईटी अपील 20 को 25 कर सकता है? आंसर इज यस, सीआईटी अपील के पास ये पावर है। ध्यान रखना सीआईटी अपील है वो आपकी इनकम को एनहांस कर सकता है, लेकिन आईटेट नहीं कर सकता। सीआईटी अपील आपकी इनकम को बढ़ा सकता है। मैं बता दूं सीआईटी अपील तो बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर ही है, ये असेसिंग ऑफिसर का एक्सटेंशन ही है सीआईटी अपील। तो सीआईटी अपील आपकी इनकम को बढ़ा सकता है लेकिन आईटेट नहीं बढ़ा सकता। क्वेश्चन ये आता है क्या ये लोग आपकी इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं? आंसर इज यस, इसीलिए तो गए थे। तो ये आपकी इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं या आपकी इनकम को जो कंफर्म है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो देखो एनहांस कौन कर सकता है? एनहांस सिर्फ सीआईटी अपील कर सकता है, आईटेट नहीं कर सकता। रिड्यूस एंड कंफर्म है वो दोनों कर सकते हैं। एक और चीज समझना, क्या असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास कर दिया था उसको कैंसिल कर सकते हैं? क्या उसको कैंसिल कर सकते हैं? आंसर इज यस, सीआईटी अपील आईटेट दोनों कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन क्या उसको रेफर बैक टू एओ फॉर द फ्रेश असेसमेंट? एओ को फ्रेश असेसमेंट के लिए वापस भेज सकते हैं कि तू क्या वापस से असेसमेंट करके लेके आया? ऐसा क्या बोल सकते हैं? मैं बता दूं सीआईटी अपील के पास ये पावर नहीं है, आईटेट के पास ये पावर है। तो आईटेट क्या कर सकता है? रेफर बैक टू असेसिंग ऑफिसर फॉर द फ्रेश असेसमेंट कर सकता है, लेकिन बेटा सीआईटी अपील नहीं कर सकता। आईटेट है वो आईटेट उसको वापस से फ्रेश असेसमेंट के लिए भेज सकता है, लेकिन सीआईटी अपील को अगर फ्रेश असेसमेंट करना है वो खुद करेगा, एओ को रेफर नहीं कर सकता। एक और चीज समझना, क्या ये डिले कंडोन कर सकते हैं? आंसर इज यस, दोनों डीले को कंडोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज समझना, क्या ये फर्दर कुछ इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या ये रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक कर सकते हैं? क्या जो इनका ऑर्डर था सीआईटी अपील का या आईटेट का उसमें कुछ भी गलती होगी तो क्या उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? आंसर इज यस, दोनों कर सकते हैं। सीआईटी अपील भी कर सकता है, आईटेट भी कर सकता है, लेकिन यहां पे समझना, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार। सीआईटी अपील जो रेक्टिफिकेशन करता है वो सेक्शन 154 में करता है, बिकॉज सीआईटी अपील इज अ इनकम टैक्स अथॉरिटी। और लास्ट लेक्चर में मैंने 154 समझाया था, और 154 में समझाया था कि इनकम टैक्स अथॉरिटी का कोई भी ऑर्डर है और वो ऑर्डर में अगर कुछ भी मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको रेक्टिफाई कर सकती है। रेक्टिफाई कितने साल में करते थे? 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर कंटेनिंग mistake was passed। तो CIT appeal है वो 154 में करेगा, लेकिन ITAT के लिए एक अलग ही section है, that is called 254। ITAT भी अपने order को rectify कर सकती है, लेकिन 254 section में। कौन सी section में? 254। और 254 क्या बोलती है? कि ITAT अपने order को rectify कर सकती है within 6 months, only 6 months from the end of the month in which order was passed। मतलब जिस month में ITAT ने order pass किया उस month के end से 6 महीने के अंदर अंदर rectify कर सकती है। तो ITAT जो rectify करेगी वहां time limit 6 महीने का, लेकिन CIT appeal जो rectify करेगा उसके लिए time limit है वो 4 साल का है। तो CIT appeal तो इनकम टैक्स अथॉरिटी 154 में रेक्टिफाई करेगा, आईटेट जो रेक्टिफाई करेगा वो 254 में करेगा, और 254 के लिए टाइम लिमिट रहेगा 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर वाज पास्ड। ओरिजिनल ऑर्डर जब पास हुआ उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर। अब एक और चीज समझना, क्या ये अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं? क्या रिव्यू का मतलब ध्यान रहेगा आपको आईपीएल में, दैट इज आईपीएल वगैरह आप देखते होंगे या बहुत सारे आपने देखे होंगे, दैट इज धोनी रिव्यू सिस्टम अपन बोलते हैं, डीआरएस। रिव्यू का मतलब होता है दूसरा व्यू लेना। पहले आपने कुछ जजमेंट दे दिया और अब आप अपने उसको चेंज करके कोई दूसरा व्यू लेना चाहते हो तो क्या रिव्यू कर सकते हैं? मैं बता दूं सीआईटी अपील आईटेट दोनों के पास रिव्यू का पावर नहीं है। इंडिया में रिव्यू का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट भी अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इन केस ऑफ द मेघालय स्टील, मेघालय स्टील के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि हाई कोर्ट के पास भी इनहेरिटेड पावर रहेगा, क्या हाई कोर्ट भी अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है? तो हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है, लेकिन मेन ये पावर जो दे रखा है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट की भी ये पावर दे रखा है,
है, हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है, सीआईटी अपील और आईटेट नहीं कर सकता। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपसे ये एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील ले सकते हैं क्या? पहले आपने जब अपील फाइल की तो कुछ ग्राउंड्स दिए थे, उसके बाद आप और कुछ ग्राउंड्स देना चाहते हो, और कुछ बेसिस देना चाहते हो, आपको और कोई केस लॉ मिल गया, ये भी ग्राउंड दे देते हैं, इसके बेसिस पे भी हमारा अलाउ होना चाहिए, तो क्या इन बिटवीन आप और कोई ग्राउंड्स देना चाहते हो, दे सकते हो? यानी आंसर इज यस, दोनों एडमिट करेंगे एडिशनल ग्राउंड्स। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एडिशनल एविडेंसेस एडमिट करेंगे क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एग्जाम में क्वेश्चन दो तीन बार आ चुका है कि क्या सीआईटी अपील है वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है या नहीं। एडिशनल एविडेंसेस का मतलब ऐसे एविडेंसेस जो पहले आपने असेसिंग ऑफिसर के सामने नहीं रखे थे, मतलब आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी असेसिंग ऑफिसर के सामने आपने नहीं रखे थे और सीआईटी अपील में सीधा ले जाके दे रहे हो या आईटेट में सीधा ले जाके दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एडिशनल एविडेंसेस। क्या एडिशनल एविडेंसेस एडमिट कर सकते हैं या नहीं? एक बात बता दूं, सीआईटी अपील जो है वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है चार केसेस में, चार कंडीशन के केस में सीआईटी अपील एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है चार केस में। सबसे पहला, अगर आपने एडिशनल एविडेंस जो वो एविडेंस है वो एओ को दिया था लेकिन एओ ने लिया नहीं, सीआईटी अपील कब ले सकता है? जब आपने एओ को दिया था, एओ ने लिया नहीं। दूसरा, एओ ने मांगा था लेकिन आपने दिया नहीं क्योंकि आपके पास था नहीं। तीसरा, एओ ने मांगा नहीं था, आप देना चाहते थे बट आपके पास था नहीं। और चौथा, अगर बिना अपॉर्चुनिटी दिए अगर एओ ने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया तो उस केस में सीआईटी अपील है वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। तो देखो, सीआईटी अपील एडिशनल एविडेंसेस है वो चार केस में ले सकता है। कौन से केसेस में? सबसे पहला, आपने एविडेंस दिया था सीआईटी उसको एओ को लेकिन एओ ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, एओ ने डिमांड किया था लेकिन आप दे नहीं पाए ड्यू टू द सफिशिएंट कॉज, या फिर एओ ने मांगा नहीं था आपने भी नहीं दिया ड्यू टू द सफिशिएंट कॉज क्योंकि आपके पास था नहीं। और अगर मान लो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया विदाउट गिविंग द सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इन दैट केस क्या होगा? क्या आपका एडिशनल एविडेंसेस है वो सीआईटी अपील ले लेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आईटेट भी एडिशनल एविडेंस ले सकता है? आंसर इज यस, आईटेट एडिशनल एविडेंस ले सकता है दो केस में। जब आईटेट को लगता है कि यहां पे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी थी, अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, या फिर आईटेट को लगता है कि ये एविडेंस जरूरी है इस केस को सॉल्व करने के लिए, तो इस केस में आईटेट है वो भी एडिशनल एविडेंसेस है वो ले सकता है। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि दोनों क्या स्टे दे सकते हैं या नहीं, मतलब जो स्टे देना है वो स्टे का पावर दोनों के पास है, सीआईटी अपील भी स्टे दे सकता है, आईटेट भी स्टे दे सकता है। एक और चीज समझना, क्या ये किसी दूसरी पार्टी को कॉस्ट दिला सकते हैं क्या? इन केस ऑफ द फ्रिवोलस अपील, इन केस ऑफ द फ्रिवोलस अपील क्या होता है कि अगर मान लो कोई अपील ऐसी होती है जिसमें ना हाथ है ना पैर है करके, ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है लोग अपील कर देते हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है तो भी लोग अपील कर देते हैं, तो इन केस ऑफ द ऐसी अपील के केस में क्या आगे वाली पार्टी को उसका खर्चा दिलाना, कॉस्ट दिलाना, क्या कॉस्ट दिला सकते हैं नहीं? तो मैं बता दूं, सीआईटी अपील के पास ये पावर नहीं है लेकिन आईटेट के पास ये पावर है कि आईटेट किसी भी दूसरी पार्टी को कॉस्ट दिला सकता है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मान लो डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट में आईटेट में अपील में गया लेकिन वो केस डिसाइडेड है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, तो भी आईटेट में डिपार्टमेंट गया तो डिपार्टमेंट से मुझे पैसा दिला सकते हैं? आंसर इज यस, आईटेट के पास ये पावर है लेकिन सीआईटी अपील के पास ये पावर नहीं है। एक और चीज समझना, क्या ये आपके जो भी अपील की थी वो अपील को रिजेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, दोनों के पास ये पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपील होती है, दैट इज का अपील टू द हाईकोर्ट। जो भी आईटेट का ऑर्डर आता है और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप हाईकोर्ट में अपील में जा सकते हो। एक और चीज समझना, हाईकोर्ट के पास में ये पावर है कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है और हाईकोर्ट में जो अपील करने का टाइम लिमिट है वो 120 डेज है और वहां पे सब चीजें है वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से गवर्न होती है। सेम इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हो हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, और हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकते हो। हाईकोर्ट क्वेश्चन को फ्रेम करेगी, हाईकोर्ट जो क्वेश्चन को फ्रेम करेगी और उसके बाद हाईकोर्ट बताएगी कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वेश्चन जा सकता है या नहीं, और अगर हाईकोर्ट बोलती है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट है वो जा सकते हो। दिस इज कॉल योर अपील। यहां पे अपील वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन अंडर सेक्शन 263। अब एक चीज समझना, ये 263 का रिवीजन क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, असेसिंग ऑफिसर होता है या तो जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर या आईटीओ, जो भी जेसी से लेकर आईटीओ तक वो तुम्हारे असेसिंग ऑफिसर होते हैं। अब एक बात समझना, इनका बॉस कौन रहता है? सीआईटी एडमिन, जो सीआईटी रहता है, पीसीआईटी, जो सीआईटी पीसीआईटी रहता है वो इनका बॉस रहता है। सीआईटी पीसीआईटी क्या करता है, बहुत बार उनसे फाइल मंगवाता है और फाइल मंगवा के देखता है कि इन्होंने क्या किया है, जो असेसमेंट कंप्लीट किया है वो सही किया है या नहीं किया। अगर उन्होंने सही नहीं किया तो उसके पास ये पावर होता है 263 में, वो रिविजन कर सकता है। अब एक चीज समझना, सबसे पहले हम पढ़ रहे दैट इज कॉल्ड 263, दैट इज रिविजन ऑफ द ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। यहां पे होता क्या है कि जो भी तुम्हारा सीआईटी पीसीआईटी रहता है, जो सीआईटी रहता है बॉस, मतलब एओ का बॉस करके, ठीक है, वो एओ के बॉस ने क्या किया, आपका रिकॉर्ड मंगवाया, एओ ने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, उसका रिकॉर्ड मंगवाया, और रिकॉर्ड मंगवाने के बाद देखता है असेसमेंट आपका कंप्लीट हुआ है, लेकिन वो असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ है वहां पे कुछ एरोनियस है,
वो असेसमेंट कंप्लीट किया है वो एरोनियस है एंड दैट इज द प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। मतलब एरोनियस है एंड प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल है। आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ है वो एरोनियस है, उसमें कुछ गलतियां है और वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू रेवेन्यू के लिए हार्मफुल है, तो इस केस में सीआईटी एडमिन के पास ये पावर है कि सीआईटी क्या कर सकता है, उसको रिवाइज कर सकता है। उसको क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, या तो उस ऑर्डर को कैंसिल करके और वापस से एओ को फ्रेश असेसमेंट के लिए बोल सकता है या फिर रिविजन कर सकता है अंडर सेक्शन 263, वो खुद ही उसको रिवाइज कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर वो रिवाइज करके क्या कर सकता है, या तो वो आपकी इनकम को बढ़ा सकता है, ऑब्वियसली इनकम को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, या फिर इनकम को मॉडिफाई कर सकता है करके। यहां पे हमेशा डिपार्टमेंट के लिए फायदा होने वाला है जब 263 हो रहा है। एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है 263 कब तक हो सकता है, तो 263 हो सकता है 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच ऑर्डर वाज पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। जैसे ही असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर ये 263 हो सकता है। तो 263 करने का टाइम लिमिट रहेगा 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द एओ वाज पास्ड। तो जैसे ही एओ ने ऑर्डर पास किया उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर हो सकता है। अब एक और चीज समझना, 263 जब भी करेगा कौन, सीआईटी। तो सीआईटी जब 263 कर रहा है तो पहले वो ऑर्डर डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल था, अब किसके लिए हार्मफुल होने वाला है, असेसी के लिए हार्मफुल होने वाला है। तो जब असेसी के हार्मफुल ऐसा ऑर्डर 263 का पास करेगा तो उसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, असेसी को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद ही वो ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 263। एक और चीज समझना, यहां पे जो भी 263 का ऑर्डर पास किया उससे अगर एसएससी सेटिस्फाइड नहीं है तो एसएससी सीधा अपील में जा सकता है। कहां पे जा सकता है, सीधा आईटेट जा सकता है, बिकॉज ऑर्डर कौन, सीआईटी लेवल का बंदा पास कर रहा है, तो सीधा अपील में कहां पे जाएगा, वो आईटेट में जाएगा। एक और चीज समझना, यहां पे जो मैटर ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, जो मैटर ऑलरेडी आगे सीआईटी अपील आईटेट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, उन मैटर पे रिविजन नहीं कर सकते, बाकी वाले मैटर पे कर सकते हैं। मतलब यहां पे भी पार्शियल मर्जर का जो डॉक्ट्राइन था, पार्शियल मर्जर का जो सिद्धांत था, उसको यहां पे भी कंफर्म किया हुआ है। एक और चीज समझना सर, रिकॉर्ड का मतलब क्या, यहाँ पे सीआईटी क्या करता है, सीआईटी वहां पे एओ का फाइल मंगवाता है, एओ का रिकॉर्ड मंगवाता है और रिकॉर्ड देख के पता चलता है कि उसने जो एओ ने ऑर्डर पास कर दिया था वो एरोनियस है और प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या सर, रिकॉर्ड में जो अवेलेबल था एट द टाइम ऑफ पासिंग द ऑर्डर और जो भी अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ चेकिंग द फाइल। आंसर इज जो भी रिकॉर्ड में अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ चेकिंग द फाइल। जब वो सीआईटी फाइल को देख रहा है और सीआईटी फाइल को देखते टाइम जो जो उस टाइम उस वहां पे अवेलेबल है वो सब रिकॉर्ड में आएगा और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे अगर लगता है कि ऑर्डर एरोनियस है तो सीआईटी जो है, सीआईटी एडमिन है, वो उसको क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, रिविजन कर सकता है 263 में। एक और चीज समझना, यहां पे लॉ में एक चेंज था और वो चेंज ये बोलता था कि 4 केसेस ऐसे है जिसमें यह मान लिया जाएगा कि ऑर्डर एरोनियस है। 4 केसेस ऐसे है, देयर आर 4 केसेस That is deemed to be मान लिया जाएगा कि order erroneous है and prejudicial to the interest of the revenue है। 4 cases कौन-कौन से? सबसे पहला, अगर order AO ने pass कर दिया without making the verification which should have been made, जो inquiry verification करना था वो किए बिना ही AO ने order pass कर दिया। AO ने क्या कर दिया? Order pass कर दिया बिना inquiry, जो inquiry उसको करनी चाहिए थी, जो verification उसको करने चाहिए थे, वो verification inquiry किए बिना ही उसने order pass कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि order है वो deemed to be erroneous है। या फिर AO ने order pass कर दिया without allowing any relief, मतलब उन्होंने उसने कोई relief allow कर दी without inquiring into the claim। जैसे मान लो आपने ATC का deduction लिया था और वो उसने बिना वो देखे करके, ठीक है, बिना receipt वगैरह देखे वो सीधा उसने deduction है वो allow कर दिया। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला अगर जो भी उसको inquiry करनी थी करके, जो भी उसको verification inquiries करनी थी वो बिना verification inquiry करके उसने assessment complete कर दिया करके, ठीक है, या फिर उसको जो भी कोई, मतलब आपने कोई क्लेम किया था उसने अलाउ कर दिया उस क्लेम को चेक किए बिना, उस क्लेम को वेरीफाई किए बिना उसने क्लेम जो है उसको अलाउ कर दिया, या फिर तीसरा जो भी सीबीडीटी का सर्कुलर था, सीबीडीटी का डायरेक्शन था, इंस्ट्रक्शन था, उसको फॉलो किए बिना अगर मान लो एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, या फिर मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है या ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है उसको फॉलो किए बिना एओ ने अगर ऑर्डर पास कर दिया तो उस केस में एओ का ऑर्डर है वो डीम्ड टू बी प्रीजुडिशियल माना जाएगा और सीआईटी है वो उसका रिविजन कर सकता है। तो देखो मैंने क्या पढ़ा है उसको एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं। 263, ये 263 सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो क्या होता है, 3 असेसिंग ऑफिसर होते हैं, 3 लेवल के, एक तो जेसी, एसीडीसी, आईटीओ, ये लोग ऑर्डर पास करते हैं। इनका बॉस रहता है वो कौन रहता है, सीआईटी, सीआईटी और पीसीआईटी। सीआईटी पीसीआईटी क्या करता है, वो उससे फाइल मंगवाता है, वो रिकॉर्ड को चेक करता है और रिकॉर्ड को चेक करते टाइम उसको पता चलता है कि ऑर्डर एरोनियस है और प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, तो उस केस में उसको रिवाइज कर सकता है 263 में, और 263 में रिवाइज करके वो 263 का रिविजनल ऑर्डर पास कर सकता है और रिविजनल ऑर्डर जो पास करेगा वो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन एक चीज समझना, रिविजन करने से पहले उसको एसएससी को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। वो रिविजन कितने टाइम में करेगा, 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच ऑर्डर ऑफ द एओ वाज पास्ड। जैसे ही एओ ने ऑर्डर पास किया उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर वो रिवाइज कर देगा अंडर सेक्शन 263। एओ अगर एसएससी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके अगेंस्ट में सीधा आईटेट में अपील में जा सकता है करके, ठीक है।
चार केस में डीम टू बी एरोनियस माना जाएगा, जो भी ऑर्डर है वो चार केस में आपका डीम टू बी एरोनियस माना जाएगा। कौन कौन से केसेस में? सबसे पहला, जो इंक्वायरी करनी चाहिए थी एओ को, वो बिना इंक्वायरी किए उसने ऑर्डर को पास कर दिया करके, ठीक है, इंक्वायरी वेरिफिकेशन जो करना चाहिए था। दूसरी चीज, उसने कुछ भी क्लेम अलाउ कर दिया बिना उसके क्लेम को देखे करके, ठीक है, मतलब आपको कोई भी, उसने क्या किया कि उसने ऑर्डर पास कर दिया, कोई रिलीफ अलाउ कर दी, उसके क्लेम को चेक किए बिना ही उसने रिलीफ है वो अलाउ कर दी, या फिर जो सीबीडीटी के सर्कुलर है, डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, उसको उसने फॉलो किए बिना असेसमेंट ऑर्डर है वो पास कर दिया, या फिर उसने क्या किया कि जो भी तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था या फिर हाईकोर्ट ज्यूरिसडिक्शनल, हाईकोर्ट ज्यूरिसडिक्शनल, हाईकोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है वो बाइंडिंग होता है, तो बेटा जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है और एओ मुंबई में था तो उसने वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको फॉलो नहीं किया और उसने ऑर्डर पास कर दिया, तो उस केस में वो डीम टू बी एरोनियस माना जाएगा। दैट इज सेक्शन 263। अब सेक्शन आती है 264। 264 क्या बोलती है? दैट इज रिविजन ऑफ द अदर ऑर्डर। अब होता क्या 263 में कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो सीआईटी है वो फाइल को चेक कर रहा था, ऑर्डर पास हो चुका था, असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था, सीआईटी एडमिन है वो फाइल को चेक कर रहा था, उसको लगता है हो असेसी को फायदा होना चाहिए, तो वो 264 का रिवीजन करके असेसी को फायदा दे सकता है। क्या दे सकता है? असेसी को फायदा दे सकता है, या फिर असेसी भी खुद भी अप्लाई कर सकता है। 264 के लिए असेसी खुद अप्लाई कर सकता है कि सर एओ ने ऑर्डर पास किया है और मेरे को लग रहा है ये गलत है और इस केस में मुझे यहां फायदा होना चाहिए, तो आप 264 के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज समझना सर, 264 की टाइम लिमिट क्या रहेगी? देखो, अगर मान लो सीआईटी है वो ओन मोशन 264 में रिवाइज कर रहा है, ओन मोशन कर रहा है, तो जैसे ही ऑर्डर पास हुआ था उस डेट से एक साल के अंदर अंदर, जैसे ऑर्डर पास हुआ था उस डेट से एक साल के अंदर अंदर है वो खुद अगर ओन मोशन उसको रिवाइज कर रहा है तो, रिविजन कर रहा है तो। लेकिन अगर एसएससी एप्लीकेशन कर रहा है तो एसएससी एप्लीकेशन कब तक कर सकता है बताएं? जो एसएससी को ऑर्डर रिसीव हुआ था उस डेट से एक साल के अंदर अंदर, जैसे ही एसएससी को ऑर्डर रिसीव हुआ उस रिसीव की डेट से एक साल के अंदर अंदर एसएससी क्या कर सकता है? एप्लीकेशन कर सकता है। और अगर एसएससी ने एप्लीकेशन किया है, एसएससी ने एप्लीकेशन किया है तो जिस ईयर में एप्लीकेशन किया उस ईयर के एंड से एक साल के अंदर अंदर सीआईटी है वो उसको रिवाइज कर देगा। जिस ईयर में एप्लीकेशन किया उस ईयर के एंड से एक साल के अंदर अंदर सीआईटी उसको रिवाइज कर देगा, रिविजन कर देगा अंडर सेक्शन 264। तो यहां पर टाइम लिमिट थोड़ी अटपटी है। देखो, अगर सीआईटी ओन मोशन करता है रिविजन अंडर सेक्शन 264 कब तक कर सकता है? एओ ने ऑर्डर पास किया उस डेट से एक साल। अगर मान लो एप्लीकेशन कब तक कर सकता है? ऑर्डर रिसीव हुआ उससे एक साल। अगर मान लो एसएससी ने एप्लीकेशन किया है तो जिस ईयर में एप्लीकेशन हुआ उस ईयर के एंड से एक साल में वो रिवाइज कर देगा अंडर सेक्शन 264। एक और चीज समझना बेटा, आप अगर किसी ऑर्डर से, एओ के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां पे जाओगे? या तो सीआईटी अपील में जाओगे या सीआईटी के पास आप रिवीजन में जाओगे अंडर सेक्शन 264। मैं बता दूं, 264 और तुम्हारा सीआईटी अपील ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि भैया या तो आप 264 में चले जाओ या फिर सीआईटी अपील के पास चले जाओ, या तो आप सीआईटी अपील के पास चले जाओ या फिर आप 264 में चले जाओ। क्या अपन दोनों काम कर सकते? आंसर इज नो, आप दोनों रेमेडीज नहीं ले सकते। एक और चीज समझना है यहां पे, अगर 264 का ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट में आप कहीं पे अपील में नहीं जा सकते। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि पांच ऑर्डर ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते और उसमें एक 264 का भी ऑर्डर था और 264 के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील में नहीं जा सकते। तो एक बात समझना, आप या तो सीआईटी अपील में जा सकते हो या फिर सीआईटी के पास 264 में जा सकते हो, बट ये दोनों में नहीं जा सकते, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पावर है। सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि मान लो अपने ऑर्डर में पांच मैटर थे, पांच मैटर में से दो मैटर में हम सीआईटी अपील में गए, क्या तीन मैटर में हम सीआईटी के पास रिविजन में जा सकते? आंसर इज नो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते करके, ठीक है। मतलब यहां पे टोटल मर्जर का जो प्रिंसिपल है, टोटल मर्जर का जो सिद्धांत है वो यहां पे 264 में कंफर्म किया है। एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज में ऐसा पूछ सकता है कि टोटल मर्जर है वो कहां पे कंफर्म किया है और आपको दे दे के 147 है, 263 है, 264 है, 154 है, तो कहां पे 264? 264 ऐसी सेक्शन है जहां पे टोटल मर्जर का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल मर्जर है, उसको कंफर्म किया हुआ है। मतलब एक भी मैटर पे अगर आप सीआईटी अपील में चले गए तो फिर आप सीआईटी के पास रिवीजन में नहीं जा सकते, या फिर सीआईटी रिवीजन में चले गए 264 में तो फिर आप सीआईटी अपील में नहीं जा सकते। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, अपन लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ कहां पे जाते होंगे? आपके क्लाइंट, आपके जितने भी क्लाइंट है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पे जाते हैं? सीआईटी अपील में जाते हैं, क्योंकि सीआईटी अपील में अगर हार भी गए तो आईटेट में जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर सीआईटी रिविजन में अगर उसने मना कर दिया आपको, देखो सीआईटी रिविजन में जब जाते हो 264 में, तो 264 में आइदर ही विल हेल्प यू और ही विल रिजेक्ट टू हेल्प यू, वो आपको मना कर देगा हेल्प करने से, लेकिन 264 कभी भी आपके लिए हार्मफुल नहीं हो सकता। तो 264 का अगर ऑर्डर आया तो उसके अगेंस्ट में आप कहीं भी अपील नहीं जा सकते। तो हम लोग हमारे क्लाइंट को हमेशा क्या एडवाइस करते कि हमेशा आपको कहां जाना चाहिए? सीआईटी अपील में जाना चाहिए। लेकिन आप बताओ 264 में कब जाते होंगे? जब सीआईटी अपील का टाइम लिमिट खत्म हो गया होगा, क्योंकि सीआईटी अपील में टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज का है, 30 डेज, और यहां पे टाइम लिमिट क्या है? एक साल का है। तो ऑब्वियसली बेटा यहां पे जब 30 डेज का टाइम लिमिट चला गया, जैसे मान लो 4 महीने ऑलरेडी हो चुके, आपको पता है सीआईटी अपील अपनी अपील लेगा नहीं, तो आपको कहां जाना चाहिए? 264 में जाना चाहिए।
करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अदर कंसेप्ट पे आते हैं, और अदर कंसेप्ट में एक सेक्शन दे रखी है 158A, समझने की कोशिश करना। 158A क्या बोलती है कि एक एसएससी है और उस एसएससी का केस ऑलरेडी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस एसएससी का केस है वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है किसी एक एसएससी का, ठीक है। उस एसएससी का केस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है किसी एक पर्टिकुलर इशू पे, और सेम एसएससी का केस पेंडिंग है सेम इशू पे या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, सीआईटी अपील के पास, या आईटेट के पास। देखो एक एसएससी है जिसका केस कहां पेंडिंग है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और सेम एसएससी का सेम मैटर पे दूसरा केस, दूसरे साल का केस पेंडिंग है या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, आईटेट के पास, या सीआईटी अपील के पास में। तो वहां पे जब एओ के पास पेंडिंग है या सीआईटी अपील के पास पेंडिंग है, आईटेट के पास पेंडिंग है, वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि सर आप हमको एक लेटर पे लिख के दे दो, हमको एक डिक्लेरेशन दे दो। वो डिक्लेरेशन पहले वो फाइल करेगा कि सर आप हमको ये लिख के दे दो, को किसको बोलेगा, एओ को, सीआईटी अपील, आईटेट को, आप हमको ये लिख के दे दो कि जो हमारा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है उसका जो भी जजमेंट आएगा वो जजमेंट इस वाले केस पे भी अप्लाई कर दोगे, मतलब इस वाले ईयर पे भी अप्लाई कर दोगे। ऐसा अगर वो लिख के दे देते हैं तो फिर आपको फर्दर अपील करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस ऑफ द रेपिटेटिव अपील। क्या बोलते हैं, अवॉइडेंस ऑफ द रेपिटेटिव अपील। तो देखो मैंने क्या बोला, एक बार मैं वापस से बोलता हूं करके, ठीक है। देखो एक एसएससी है और उस एसएससी का सेम मैटर पे, मतलब एक मैटर पे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का केस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ रहेगा तभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है लेकिन सेम एसएससी का किसी और ईयर का सेम इशू पे, या तो एओ के पास पेंडिंग है, सीआईटी अपील, आईटेट के पास पेंडिंग है। तो वो जो एओ के पास पेंडिंग है, आईटेट, सीआईटी अपील के पास पेंडिंग है, उनको बोलो कि सर आप हमसे एक प्रॉमिस कर दो, आप हमको ये लिख के दे दो करके, ठीक है, कि जो भी हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आएगा उस केस का, वो जजमेंट का यहां पे भी अप्लाई कर दोगे करके, ठीक है, इस ईयर पे भी अप्लाई कर दोगे। अगर वो ऐसा लिख के दे देते तो आपको अपील करने की जरूरत नहीं। दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस ऑफ द रेपिटेटिव अपील। एक और चीज समझना, इसका लॉजिक वगैरह है वो मैं ऑलरेडी आपको रेगुलर फास्ट ट्रैक बैचेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट सेक्शन इज 158AA। 158AA क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। 158AA ये बोलता है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, हुआ क्या, एक एसएससी है, जैसे मान लो बीबी सर, एक एसएससी का हाईकोर्ट का जजमेंट आया, एक एसएससी के केस में हाईकोर्ट का जजमेंट आया, और हाईकोर्ट का जजमेंट एसएससी के फेवर में है। तो हाईकोर्ट का जजमेंट जब एसएससी के फेवर में है तो डिपार्टमेंट कहां गया होगा, सुप्रीम कोर्ट। एक एसएससी के केस में हाईकोर्ट का जजमेंट आया और हाईकोर्ट का जजमेंट एसएससी के फेवर में, डिपार्टमेंट ऑलरेडी कहां जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट। डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो देखो एक एसएससी में केस में हाईकोर्ट का जजमेंट आया था और हाईकोर्ट का जजमेंट आया था और डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट जा चुका और सुप्रीम कोर्ट में आज केस पेंडिंग और हाईकोर्ट का जजमेंट एसएससी के फेवर में था। अब समझना, सेम एसएससी के केस में किसी दूसरे साल का सेम इशू पे सीआईटी अपील का जजमेंट आया, सेम एसएससी के केस में सेम इशू पे किसी दूसरे साल का सीआईटी अपील का जजमेंट आया और वो भी एसएससी के फेवर में आया। तो एसएससी के फेवर में आया तो डिपार्टमेंट कहां पे जाएगा, आईटेट जाएगा, और आईटेट जाने का टाइम लिमिट क्या होता है, 60 डेज। तो यहां पर डिपार्टमेंट एसएससी से पूछता है, डिपार्टमेंट एसएससी से पूछता है कि सर अगर आप बोलो तो हम आईटेट में अभी 60 डेज में नहीं जाते, हम आईटेट में तब जाएंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। एसएससी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप तब ऐसा करना, तब आप आईटेट में जाना जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है। और एसएससी अगर ये हाँ बोल देता है तो उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट अभी आईटेट में नहीं जाएगा, वो आईटेट को इंटीमेट करेंगे कि एसएससी इस चीज के लिए हाँ भरी है एसएससी ने कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तब हम आईटेट में आएंगे। अब एक बात समझना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी अगर एसएससी के फेवर में आ जाता है तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट आईटेट नहीं जाएगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो अगर डिपार्टमेंट के फेवर में आ जाता है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आईटेट में जाएगा वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में, और आईटेट क्या कर देगा, ऑर्डर को चेंज कर देगा और डिपार्टमेंट के फेवर में ऑर्डर पास कर देगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 268A। और एक चीज समझना, ये 268A क्या बोलती है, दैट इज स्पेशल प्रोविजन फॉर अपील बाय द डिपार्टमेंट। मैं बता दूं, डिपार्टमेंट अपील तभी करता है जब डिपार्टमेंट को कुछ जो टैक्स इफेक्ट मिलने वाला है, जो टैक्स मिलने वाला है, जो अमाउंट मिलने वाला है वो पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है। डिपार्टमेंट तभी अपील करता है, आईटेट में डिपार्टमेंट तभी जाता है जब उसको जो टैक्स इफेक्ट है करके, ठीक है, जो उसको पैसा मिलने वाला है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा है। मतलब डिपार्टमेंट को जो टैक्स इफेक्ट मिलने वाला है वो 20 लाख से ज्यादा है, मतलब डिपार्टमेंट को जो फायदा होने वाला है वो 20 लाख से, छोटे छोटे केसेस में नहीं जाता कि 10,000 का फायदा होगा डिपार्टमेंट आईटेट चला जाए, नहीं, डिपार्टमेंट आईटेट तभी चाहता है जब उसको टैक्स इफेक्ट है वो टैक्स इफेक्ट पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है। तो मैं बता दूं, आईटेट में डिपार्टमेंट तभी चाहता है जब टैक्स इफेक्ट है वो 20 लाख से ज्यादा है, हाईकोर्ट में तभी जाता है जब 50 लाख से ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट में तभी जाता है जब 1 करोड़ से ज्यादा है। तो टैक्स इफेक्ट इज मोर देन 20 लाख देन डिपार्टमेंट विल अप्रोच टू द आईटेट, टैक्स इफेक्ट इज मोर देन 50 लाख देन डिपार्टमेंट विल अप्रोच टू द हाईकोर्ट, और टैक्स इफेक्ट इज More than 1 crore, then department will approach to the Supreme Court. एक और चीज समझना, department जो है, ऐसा हो सकता है कि जैसे एक एसएससी के केस में अपील में नहीं गया
और दूसरे एसएससी के केस में सेम इशू था और दूसरे एसएससी के केस में अपील में चला गया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर उसके केस में तो आप अपील में नहीं गए थे, आप हमारे केस में अपील में कैसे जा रहे हो। या फिर ऐसा बहुत बार हो सकता है कि एक ईयर में आपके केस में एक ईयर में अपील में नहीं गए, लेकिन दूसरे ईयर में डिपार्टमेंट अपील में चला गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप लास्ट ईयर अपील में नहीं गए थे तो आपने जो भी हमने किया था वो एक्सेप्ट कर दिया था। नहीं, डिपार्टमेंट की चॉइस है, डिपार्टमेंट जब चाहे तब अपील में जा सकता है, जब चाहे तब डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाएगा। एक और चीज समझना है यहाँ पे, ये जो टैक्स लिमिट जो दे रखी है वो उससे ज्यादा टैक्स इफेक्ट है तो ही डिपार्टमेंट अपील में जाता है। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक अपील एंड रिविजन। पानी पी लो और पानी पीने के बाद अपन नया टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। यस पीपल, सो नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, जिसको अपन सेटकॉम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेटकॉम बोलेंगे। अब एक चीज समझना, सेटलमेंट कमीशन है वो सेटलमेंट कमीशन में कब जाते हैं? जब आपको लगता है कि अब तो मर गए करके, ठीक है, अब तो मर गए, आपको लगता है कि जैसे रेड हो गई वगैरह, आपको लगता है तो अब तो मर गए, तो आप सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हो। सेटलमेंट कमीशन क्या होता है, एक बात बता दो, जैसे आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक क्या करती है, चलो सेटलमेंट पे आते हैं। या बैंक लोन लिया उसका पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक क्या बोलती है, सेटलमेंट पे आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। जैसा वैसा ही कुछ यहां पर भी होता है, जब आपको लगता है कि अब आपसे कुछ नहीं हो सकता करके, ठीक है, जब आपको लगता है कि अब तो अपन मर गए करके, ठीक है, तो आप सीधा सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हो। क्या सेटलमेंट कमीशन आपका माफ कर देगा टैक्स या इंटरेस्ट? आंसर इज नो। सेटलमेंट कमीशन कभी भी आपका टैक्स और इंटरेस्ट माफ नहीं करता है, सेटलमेंट कमीशन सिर्फ आपकी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन है, उसी में आपको इम्यूनिटी दे सकती है। तो सेटलमेंट कमीशन है वो आपको पेनल्टी प्रोसिक्यूशन जो रहेगा, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में इम्यूनिटी दे सकती है, माफी दे सकती है, बाकी कभी भी टैक्स और इंटरेस्ट है उसमें कभी भी सेटलमेंट कमीशन है वो माफी नहीं दे सकती है। एक और चीज समझना, सेटलमेंट कमीशन में आप तभी जा सकते हो जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो यह है कि आपका केस पेंडिंग होना चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि आपका केस पेंडिंग होना चाहिए, कैश केस पेंडिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपका असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए, या तो 143(3) में, 144 में, 147 में, 153A में, या तो 143(3) में, 144 में, 147 में, 153A में, कहीं भी आपका केस पेंडिंग होना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि जो भी आप एडिशनल इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो सेटलमेंट कमीशन के सामने, जो भी आप एडिशनल इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो सेटलमेंट कमीशन के सामने, उस पर एडिशनल टैक्स है वो तुम्हारा 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और अगर रेड हुई है तो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। मैंने क्या बोला, सेटलमेंट कमीशन में आप तभी जा सकते हो जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि आपका केस पेंडिंग होना चाहिए अंडर सेक्शन 143(3), अंडर सेक्शन 143(3), 144, 147, 153A, मतलब कहीं पे असेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जो आप एडिशनल इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो सेटलमेंट कमीशन के सामने, उस पर जो एडिशनल टैक्स है वो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए नॉर्मल केस में, और अगर रेड हुई थी तो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, रेड साथ साथ में हो जाती है, जैसे कंपनी पे और डायरेक्टर पे साथ में रेड हुई। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मेरी कंपनी है बीबी वर्चुअल, तो बीबी वर्चुअल पे और बीबी सर पे दोनों पे साथ में रेड हुई, तो बीबी वर्चुअल और बीबी सर पे दोनों पे साथ में रेड हुई, हम दोनों सेटलमेंट कमीशन में जाते हैं, तो कितना इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जिस पे एडिशनल टैक्स है वो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, दोनों का 50 लाख से ज्यादा, उनका 50 लाख से ज्यादा मेरा। लेकिन यहां पे लॉ ये बोलता है कि जैसे मान लो, आई कैन टेक वन एग्जांपल, कि मेरी कंपनी सेटलमेंट कमीशन में जा चुकी है,
तो मेरी कंपनी ने सेटलमेंट कमीशन में अप्रोच कर दिया और उन्होंने 50 लाख से ज्यादा का टैक्स बता दिया करके, ठीक है। तो बीबी सर जो उसके रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब जो सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 में दे रखा है, सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 तुम्हारे पीजीबीपी हेड में आता है और वो पीजीबीपी हेड में कुछ स्पेसिफाइड पर्सन दे रखे हैं, तो उस केस में जो रिलेटिव है वो रिलेटिव सिर्फ 10 लाख से ज्यादा टैक्स डिस्क्लोज करके सेटलमेंट कमीशन में जा सकता है। या फिर मान लो सेटलमेंट कमीशन में पहले मैं गया, तो सेटलमेंट कमीशन में पहले मैं गया और मैंने मान लो 50 लाख से ज्यादा का टैक्स डिस्क्लोज कर दिया, तो मेरी जो कंपनी है वो सेटलमेंट कमीशन में जा सकती है 10 लाख से ज्यादा का टैक्स डिस्क्लोज करके। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, मैंने क्या बोला, सेटलमेंट कमीशन में आप तभी जा सकते हो जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका केस पेंडिंग होना चाहिए अंडर सेक्शन 143(3), 144, 147, 153 है, और आपका जो एडिशनल इनकम है उस पर एडिशनल टैक्स है वो 10 लाख या 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, नॉर्मल केस में 10 लाख और इन केस ऑफ द रेड केसेस में 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हो। एक और चीज समझना, सेटलमेंट कमीशन में जब आपने एप्लीकेशन कर दिया तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने सेटलमेंट कमीशन में अगर एप्लीकेशन कर दिया तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको आप क्या नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते करके, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो टॉपिक आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन में, उसमें आपने एप्लीकेशन किया तो आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है, आप बोल रहे हो कि 10 लाख से ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा या 50 लाख से ज्यादा एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो सेटलमेंट कमीशन के सामने आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसमें एडिशनल इनकम कितना डिस्क्लोज कर रहे हो उस पर जो टैक्स आता है वो 10 लाख 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एक और चीज समझना, एडिशनल टैक्स कैसे निकालोगे, जैसे आपने पहले रिटर्न फाइल ही नहीं किया था, तो रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो जो भी आप एप्लीकेशन में जो इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो वो सब एडिशनल इनकम होगी और उस पर एडिशनल टैक्स 10 लाख 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने रिटर्न फाइल किया था तो उसमें अपन क्या करेंगे, जो तुम्हारी रिटर्न वाली इनकम थी और प्लस आपने एप्लीकेशन में कितना इनकम और बताया उस इनकम पे टैक्स निकाल दो टोटल पे, और जो भी आपके रिटर्न वाली इनकम पे जो टैक्स था वो लेस कर दो, जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड योर एडिशनल टैक्स, वो एडिशनल टैक्स तुम्हारा 10 लाख 50 लाख से ज्यादा है तो आप सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हो। अब एक और चीज समझना, कुछ केसेस में सर कब माना जाएगा कि आपका केस पेंडिंग है, तो सिंपल सी बात बोलो, अगर 143(3) की बात करो, जो तुम्हारा स्क्रूटनी असेसमेंट है वो पेंडिंग कब माना जाएगा, जैसे ही तुमको 143(2) का स्क्रूटनी का नोटिस इशू हो गया ये माना जाएगा आपका केस पेंडिंग है, या 144 में के लिए आपको जब शो कॉज नोटिस इशू हुआ तो ये माना जाएगा आपका केस पेंडिंग है, 147 के लिए 148 इशू हुआ आपका ये माना जाएगा आपका केस पेंडिंग है, या 153(a) के लिए क्या होता है कि आपको जो 153(a) का नोटिस इशू हुआ, यहां पे 153(a) लिख लेना बुक में करके, ठीक है, 153 प्रिंट हुआ है, इट्स 153(a) का जैसे ही नोटिस इशू हुआ ये माना जाएगा आपका 153(a) में केस पेंडिंग है। अब एक और चीज समझना, फ्रेश असेसमेंट के लिए देखो आईटेट के पास ये पावर है एज वेल एज द सीआईटी एडमिन के पास ये पावर है कि पुराना असेसमेंट कैंसिल करके और वो बोल सकता है कि फ्रेश असेसमेंट करके लेके आओ, किसको, एओ को बोल सकता है। तो जैसे ही फ्रेश असेसमेंट के लिए उसने वो ऑर्डर पास किया, कौन सा, आईटेट ने ऑर्डर पास किया या 263-264 में ऑर्डर पास करके, और उन्होंने बोला एओ को कि फ्रेश असेसमेंट कर करके, तो जैसे ही वो ऑर्डर पास हुआ उस केस में माना जाएगा आपका असेसमेंट है वो पेंडिंग है और उस केस में आप सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हो। एक और चीज समझना, 147 के केस में क्या होता है कि 147 के केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, आज की डेट में हुआ क्या कि आज की डेट में मान लो 2 साल पहले के लिए आपको नोटिस इशू हुआ 148 का, 2 साल पहले का इनकम एस्केपिंग था और 2 साल पहले के इनकम एस्केपिंग के लिए आज आपको नोटिस इशू हुआ कौन सी सेक्शन में, पता है, 148 में। लेकिन एक बात बताओ, आज की डेट में कौन से, सपोज ईयर वाइज एग्जांपल लेते हैं, सपोज इन 2000 अभी 18-19 चल रहा है और आज की डेट में आपको 17-18 के लिए नोटिस इशू हुआ, तो 17-18 का केस तो पेंडिंग हो गया आपका, ठीक है, 147 में। लेकिन एक बात बताओ, आज की डेट में क्या 15-16 का भी नोटिस इशू हो सकता है? नहीं, आंसर इज यस। तो 15-16 का नोटिस आज की डेट में इशू हो सकता है, तो 15-16 का भी केस डीम टू बी पेंडिंग मान लिया जाएगा और आप 15-16 के लिए भी आप सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हो। 15-16 है ईयर, उसके लिए भी आप सेटलमेंट कमीशन में जा सकते हो। मतलब 147 में नोटिस इशू हुआ है, 148 का नोटिस इशू हुआ है, वो किसी एक ईयर के लिए हुआ है, लेकिन इस डेट को मान लो दूसरे किसी ईयर के लिए भी नोटिस इशू हो सकता है तो वो दूसरे ईयर का भी केस है, वो डीम टू बी पेंडिंग माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, सेटलमेंट कमीशन में जाओगे तो होगा क्या, तो जैसे ही आपने एप्लीकेशन किया 7 डेज के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस मिल जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप ये बताओ कि हम क्यों आपका एप्लीकेशन है वो एडमिट करे करके, ठीक है। तो जैसे ही आपने अगर रिप्लाई वगैरह किया तो एप्लीकेशन की डेट से ही 14 डेज के अंदर अंदर या तो आपका एप्लीकेशन अलाउ कर दिया जाएगा या फिर आपका एप्लीकेशन क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिजेक्ट किया जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन की डेट से ही 30 डेज के अंदर अंदर सेटलमेंट कमीशन क्या करेगा, सीआईटी का रिपोर्ट मंगवाएगा। जो सीआईटी एडमिन होता है डिपार्टमेंट में उससे बोलेगा कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट करो। तो जैसे ही सीआईटी से कितने 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की डेट से 30 डेज में सीआईटी का अपील, सीआईटी एडमिन का रिपोर्ट मंगवाएगा। और सीआईटी एडमिन को रिपोर्ट कब तक सबमिट करना है पता है? जैसे ही उसको बोला उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, जैसे ही सीआईटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया उस सबमिशन की डेट से 15 डेज के अंदर अंदर वो आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं।
लगता है। सेटलमेंट कमीशन को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड है, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन को वो इनवैलिड डिक्लेयर है, वो कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, एक बार समझने की कोशिश करना। जैसे ही आपने एप्लीकेशन की डेट से 7 डेज के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन की डेट से 14 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, या तो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी। एप्लीकेशन की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर क्या होगा, वो सीआईटी से रिपोर्ट मांगे, सीआईटी 30 डेज में रिपोर्ट सबमिट करेगा, और 30 डेज में जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, सबमिशन की डेट से 15 डेज के अंदर अंदर या तो आपकी एप्लीकेशन को वैलिड माना जाएगा या फिर आपकी एप्लीकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर उसको सीआईटी पीसीआईटी से और भी सेटलमेंट कमीशन को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या और भी कुछ रिपोर्ट मंगवानी है या रिकॉर्ड चाहिए, तो वो मंगवा सकते हैं, और सीआईटी है वो रिकॉर्ड को सबमिट करेगा 90 डेज में, जिस दिन सेटलमेंट कमीशन ने बोला उसके 90 डेज में जो है वो सबमिट कर देगा। एक और चीज समझना, ये सब होने के बाद, सब डिटेल के बाद सेटलमेंट कमीशन अपना ऑर्डर पास करेगा और सेटलमेंट है वो करेगा, और सेटलमेंट कमीशन अपना ऑर्डर पास करेगा कितने टाइम में, बता 18 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच एप्लीकेशन वाज मेड बाय एसएससी, मतलब जिस मंथ में एप्लीकेशन किया था उसके 18 मंथ के अंदर अंदर, जिस मंथ में एप्लीकेशन किया था उसके 18 मंथ के अंदर अंदर वो क्या करेंगे, अपना ऑर्डर है वो पास कर देंगे। एक और चीज समझना, सेटलमेंट कमीशन है वो क्या करेगा, तो सेटलमेंट कमीशन क्या करेगा, आपकी इनकम है वो बताएगा, कितना आपका इनकम आ रहा है, कितना आपका टैक्स आ रहा है करके, उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है वो सब बताएगा करके, ठीक है। आपको कहां इम्यूनिटी मिल सकती है, देखो सेटलमेंट कमीशन आपको दो चीजों में इम्यूनिटी दे सकती है, इम्यूनिटी का मतलब होता है माफी, सिर्फ दो चीजों में मिल सकती है, एक तो पेनल्टी में मिल सकता है और प्रोसिक्यूशन में मिल सकता है। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सेटलमेंट कमीशन इंटरेस्ट में भी इम्यूनिटी दे सकती है, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट में भी इम्यूनिटी दे सकती है, आंसर इज नो, सेटलमेंट कमीशन के पास ऐसा पावर नहीं है। लेकिन एक चीज समझना, एक जजमेंट है, दैट इज इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इन केस ऑफ द एमएच घासवाला, और एमएच घासवाला केस लो में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो सेटलमेंट कमीशन के पास वही पावर है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास है, और इनकम टैक्स अथॉरिटी में मैं बता दूं सबसे बड़े लेवल के जो ऑफिसर रहते हैं, दैट इज सीसीआईटी और डीजीआईटी, इनकम जो इंटरेस्ट होता है 234 एबीसी वगैरह उसमें कुछ इम्यूनिटी दे सकते हैं, तो 234 एबीसी के इंटरेस्ट में जो इम्यूनिटी दे सकते हैं कौन दे सकते हैं, सीसीआईटी डीजीआईटी दे सकते हैं स्पेसिफिक केसेस में, तो उतना इम्यूनिटी है वो आपका सेटलमेंट कमीशन भी दे सकता है। तो एक बात समझना, सेटलमेंट कमीशन क्या इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी में इम्यूनिटी दे सकता है, पहले लिखोगे नहीं दे सकता, सेटलमेंट कमीशन को यह पावर नहीं है, सेटलमेंट कमीशन है वो सिर्फ किसमें इम्यूनिटी दे सकता है, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी में नहीं दे सकता, ये मैंडेटरी इंटरेस्ट होता है। लेकिन एक चीज समझना, CCIT, DGIT कुछ exceptional cases में कुछ हद तक वो लोग immunity दे सकते हैं under section 234 ABC के interest में भी। तो मैं बता दूं, जब CCIT, DGIT दे सकते हैं, तो मैं बता दूं जो income tax authority के पास power है, वो same power है, वो settlement commission के पास है, पास भी power है। तो मैं बोलूं settlement commission के पास वही power है जो CCIT, DGIT के पास power है। तो CCIT, DGIT जिस हद तक immunity दे सकते हैं, उतना settlement commission है, उतना immunity settlement commission भी दे सकता है। एक और चीज समझना, settlement commission जो भी demand निकालेगा, वो order जैसे ही आपको मिला, उसके 35 डेज के अंदर अंदर आपको डिमांड पे करनी पड़ेगी। देखो नॉर्मल 156 का डिमांड होता है, वो 30 डेज में पे करना पड़ता है, ये 35 डेज में पे करना पड़ेगा। अगर आपने 35 डेज में पे नहीं किया, तो 36 डेज से आपको इंटरेस्ट लगना चालू होगा, और इंटरेस्ट कितना रहेगा पता है, 1.25% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। एक और चीज समझना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक करके मार्क कर लेना करके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। सर सेटलमेंट कमीशन ने अपना ऑर्डर पास किया और उसमें कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो क्या उसको ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सेटलमेंट कमीशन उस ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है, आंसर इज यस। सेटलमेंट कमीशन ने जो ऑर्डर पास कर दिया, अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी, तो सेटलमेंट कमीशन उसको रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट क्या रहेगा समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेटलमेंट कमीशन ओन मोशन रेक्टिफाई करता है, तो ऑर्डर जिस मंथ में पास हुआ उस मंथ के एंड से 6 मंथ में, अगर सेटलमेंट कमीशन ओन मोशन रेक्टिफाई करता है, तो ऑर्डर जिस मंथ में पास हुआ उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर, ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन ने जिस मंथ में पास किया था उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर रेक्टिफाई कर सकता है सेटलमेंट कमीशन। लेकिन अगर एसएससी या डिपार्टमेंट एप्लीकेशन करते हैं, एसएससी या डिपार्टमेंट एप्लीकेशन करते हैं, तो एप्लीकेशन कब तक कर सकते हैं पता है, एप्लीकेशन जैसे एसएससी और डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन किया, तो जिस मंथ में एप्लीकेशन किया था उसके एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर सेटलमेंट कमीशन है वो रेक्टिफाई करेगा। समझने की कोशिश करना मेरी तरफ, देखो सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। क्या सेटलमेंट कमीशन अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है, आंसर इज यस। तो सेटलमेंट कमीशन अगर ओन मोशन रेक्टिफाई करता है, तो उस केस में क्या होगा कि जिस मंथ में ऑर्डर पास हुआ था, वो ऑर्डर पास हुआ उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफाई कर सकता है। लेकिन अगर एसएससी ने एप्लीकेशन या डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन किया, तो जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर रेक्टिफाई कर सकता है। एक और चीज समझना, क्या एसएससी और डिपार्टमेंट एप्लीकेशन कभी भी कर सकते हैं, आंसर इज नो। एप्लीकेशन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड, जैसे ऑर्डर पास हुआ तो उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर अगर एप्लीकेशन कर दिया, तो जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर है वो रेक्टिफिकेशन हो जाएंगे। तो आई कैन से दैट
कि सेटलमेंट कमीशन कैन रेक्टिफाई देयर ऑर्डर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर वॉज पास्ट, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर वॉज पास्ट, बट इफ असेसी और डिपार्टमेंट मेड द एप्लीकेशन दैट रेक्टिफिकेशन हैज टू बी डन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज मेड, बट असेसी और डिपार्टमेंट हैज टू मेक द एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर वॉज पास्ट. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. अब एक और चीज समझना, सेटलमेंट कमीशन के पास क्या पावर होते हैं, तो मैं बताऊं, सेटलमेंट कमीशन के पास वो सब पावर है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास है, एज वेल एज सेटलमेंट कमीशन आपकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है. मैक्सिमम अटैचमेंट है वो 6 मंथ का होगा, 6 मंथ के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकती है. सेटलमेंट कमीशन का अपना जो जुरिसडिक्शन होता है वो एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता है, मतलब वहां पे कोई भी उंगली नहीं कर सकता, मतलब उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता. एक और चीज समझना, सेटलमेंट कमीशन है वो सेटलमेंट कमीशन आपको जो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन है उसमें इम्यूनिटी दे सकती है. एक और चीज समझना, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में इम्यूनिटी तभी देती है जब असेसी ने कोऑपरेट किया था. असेसी ने कोऑपरेट किया था उसके साथ साथ में असेसी ने फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर इनकम का दिया था और उसने ये भी बताया था कि उसने वो इनकम कैसे कमाई है. पहली चीज, असेसी ने क्या किया था, असेसी ने कोऑपरेट किया था सेटलमेंट कमीशन के साथ, असेसी ने फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर दिया था इनकम का और उसने वो मैनर भी बताया था कि उसने वो इनकम कैसे कमाई है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको इम्यूनिटी है वो मिलेगी. अब एक और चीज समझना, जैसे ही आप सेटलमेंट कमीशन में चले जाते हो तो आपका केस सेटलमेंट कमीशन के पास चला जाएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो कुछ भी नहीं करेगी, सेटलमेंट कमीशन के पास आपका केस चला गया. लेकिन मैं बता दूं, सेटलमेंट कमीशन के पास जब आपका केस होता है वहां सेटलमेंट कमीशन के पास आपका केस अबेट हो जाएगा कब, और एओ है वो काम करना चालू करेगा कब, 4 केसेस में. मींस व्हाटएवर आपका केस सेटलमेंट कमीशन के पास है, सेटलमेंट कमीशन के पास जो आपका केस है वो केस अबेट हो जाएगा और असेसिंग ऑफिसर है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन आ जाएगा 4 केस में. सबसे पहला, अगर आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई, जो 14 डेज के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या फिर आपकी एप्लीकेशन वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दी, या फिर 18 मंथ का टाइम खत्म हो गया और सेटलमेंट कमीशन ने ऑर्डर ही पास नहीं किया, या फिर सेटलमेंट कमीशन ने ऑर्डर पास किया लेकिन उसमें कोई सेटलमेंट का टर्म्स ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, फिर असेसिंग ऑफिसर के पास केस जाएगा और सेटलमेंट कमीशन के पास में आपका केस है वो क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अबेट हो जाएगा. अब एक और चीज समझना, सेटलमेंट कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो कंक्लूसिव होता है, मतलब सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील में नहीं जा सकते, दैट इज द फाइनल ऑर्डर, और उसके अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील में नहीं जा सकते करके, ठीक है. अब एक और चीज समझना, सेटलमेंट कमीशन ये बोलता है कि लाइफ में आप अपना केस एक ही बार सेटल करवा सकते हो, लाइफ में आप अपना केस है वो सिर्फ एक ही बार सेटल करवा सकते हो, एक से ज्यादा बार सेटल नहीं करवा सकते. वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आप अपना केस एक बार ही लाइफ में सेटल करवा सकते हो. अब इन्होंने ऐसी एक और रेस्ट्रिक्शन डाली कि आप तो एक बार ही करवा सकते हो, लेकिन मान लो मैंने करवा लिया, मेरा केस सेटल हो गया, मैंने सेटलमेंट कमीशन से मेरा केस सेटल करवा दिया, तो मैं तो कभी सेटलमेंट कमीशन में नहीं जाऊंगा. लॉ ये बोलता है कि ऐसी कोई भी कंपनी में नहीं जाएगी जिसमें मेरा 50% से ज्यादा का वोटिंग पावर है, मतलब ऐसी कंपनी भी सेटलमेंट कमीशन में नहीं जाएगी जिसमें मेरा 50% से ज्यादा का वोटिंग पावर है, या फिर कोई ऐसा फर्म एओपी बीओआई भी नहीं जाएगा जिसमें मेरा 50% से ज्यादा पीएसआर है, या फिर वो एचयूएफ भी नहीं जा सकता कभी भी लाइफ में अगर मैं उसका करता हूं. तो देखो, मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैंने सेटलमेंट मेरा केस का करवा दिया, तो कोई भी कंपनी नहीं जा सकती जिसमें 50% से ज्यादा मेरा वोटिंग पावर है, लाइफ में वो एक बार भी नहीं जा सकती, ठीक है. दूसरी चीज, अगर कोई भी ऐसा फर्म एओपी बीओआई है वो भी नहीं जा सकता जिसमें मेरा 50% से ज्यादा का पीएसआर है, और कोई भी एचयूएफ नहीं जा सकता जिसका मैं करता हूं. अगर मान लो कंपनी ने अपना सेटलमेंट करवा दिया, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास 50% से ज्यादा का 50% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग है वो इंडिविजुअल सेटलमेंट कमीशन में नहीं जा सकता, या फिर एओपी बीओआई ने करवा दिया, फर्म ने करवा दिया, तो कोई भी इंडिविजुअल नहीं जा सकता जिसके पास 50% से ज्यादा का पीएसआर है, और कोई भी एचयूएफ नहीं जा सकता, अगर एचयूएफ ने सेटलमेंट करवा दिया तो उसका करता है वो कभी भी सेटलमेंट कमीशन में नहीं जा सकता. अब एक और बात समझना, आगे जाके अगर सेटलमेंट कमीशन को पता चल जाता है कि आपने जो सेटलमेंट करवाया है वो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट या फ्रॉड करके करवाया है, तो सेटलमेंट कमीशन आपके जो ऑर्डर पास किया था सेटलमेंट कमीशन ने, उस ऑर्डर को वो लोग वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? वॉइड एब इनिशियो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक सेटलमेंट कमीशन. पानी पी लो एक बार आप.
पीपल, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द कैश लोन डिपॉजिट एंड एडवांसेस। सबसे पहली सेक्शन 269SS, 269SS क्या बोलती है कि आप कभी भी किसी भी पर्सन से क्या नहीं कर ले सकते, लोन नहीं ले सकते, डिपॉजिट नहीं ले सकते या एडवांस नहीं एक्सेप्ट कर सकते इन रिलेशन टू द इमोवेबल प्रॉपर्टी। एडवांस इन रिलेशन टू द इमोवेबल प्रॉपर्टी, तो समझना किसी भी पर्सन से आप क्या नहीं ले सकते, लोन डिपॉजिट या एडवांस इन रिलेशन टू द इमोवेबल प्रॉपर्टी। आप किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते 20,000 rupees और मोर बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मतलब आप किसी भी पर्सन से जो लोन ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, एडवांस ले रहे हो इन रिलेशन टू द इमोवेबल प्रॉपर्टी, वो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो, और वो 20,000 या उससे ज्यादा है, 20,000 या उससे ज्यादा है तो आप कैश में नहीं ले सकते। 20,000 या उससे ज्यादा है तो कैश में नहीं ले सकते। अगर मान लो 15,000 आप कैश में ले सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें एक और चीज समझना, ये 20,000 का लिमिट देखते टाइम जो पहले आपने अगर मान लो कोई भी लोन डिपॉजिट एडवांस इन रिलेशन टू इमोवेबल प्रॉपर्टी ले रखा है उसको क्लब कर देंगे, उसको क्लब कर देंगे। यहां पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे करके, ठीक है? तो आप बुक में देखोगे तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक और चीज समझना, ये वाली जो सेक्शन है ये सेक्शन कहां कहां पे नहीं लगेगी, कि आप 20,000 या उससे ज्यादा का कैश में डिपॉजिट है, एडवांस है या एडवांस इन रिलेशन टू इमोवेबल प्रॉपर्टी या लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये सेक्शन कहां कहां नहीं लगेगी, तो उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ डिपॉजिट एडवांस और लोन इज टेकन फ्रॉम और बाय गवर्नमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट कंपनी, पर्सन हैविंग ओनली एग्रीकल्चर इनकम और कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट और एनी अदर एज नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी, उन पे ये सेक्शन है, ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो 269SS ये बोलती है कि बेटा आप किसी भी पर्सन से 20,000 या उससे ज्यादा का, 20,000 या उससे ज्यादा का या तो लोन नहीं ले सकते, डिपॉजिट नहीं ले सकते या एडवांस इन रिलेशन टू इमोवेबल प्रॉपर्टी है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज समझना, ये 20,000 लिमिट्स तीनों का मिला के देखा जाएगा एज वेल एज उस दिन जितना आउटस्टैंडिंग है वो भी उसमें क्लब हो जाएगा। एक और चीज समझना, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मान लो पहले आपने 15,000 rupees लोन लिया था किसी पर्सन से और वो किसी पर्सन से आपने चेक से लिया था, आज आप जो लोन ले रहे हो वो 10,000 rupees का कैश में ले रहे हो, क्या ये सेक्शन लग जाएगी? आंसर इज यस, ये सेक्शन लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल पहले भी आपने 15,000 लिया था वो आपने चेक से लिया था भले, लेकिन आज आप 10,000 कैश में ले रहे हो तो 10,000 15,000 मर्ज होके 25,000 का लिमिट, मतलब यहां पे 20,000 या उससे ज्यादा हो गया तो यहां पे ये सेक्शन लग जाएगी। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो इस सेक्शन का वायलेशन होता है तो आपको 271D बोलती है कि 100% का पेनल्टी है वो लग जाएगा, 100% का पेनल्टी है वो लग जाएगा और ये पेनल्टी सिर्फ जॉइंट कमिश्नर है वो ही इंपोज कर सकता है। उसके बाद में ऐसा का ऐसा एक सेक्शन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 269ST। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये सेक्शन ये बोलती है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से 2 lakh rupees या मोर, 2 lakh rupees या मोर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखो उसमें क्या था, लोन था, उसमें क्या था, लोन था, एडवांसेस इन रिलेशन टू इमोवेबल प्रॉपर्टी या डिपॉजिट था, इसमें कुछ भी आप 2 lakh rupees या उससे ज्यादा किसी भी पर्सन से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कैश में। मतलब आपको कैसे लेना है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो देखो ये सेक्शन यह बोलती है कि भैया आप किसी भी पर्सन से 2 lakh rupees या उससे ज्यादा, 2 lakh rupees या उससे ज्यादा या तो इन एग्रीगेट इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ पर्सन, मतलब एक पर्सन से सिंगल डे में आप 2 lakh rupees या उससे ज्यादा कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन या इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो बेटा उस केस में आपका वायलेशन माना जाएगा और उस केस में आपको पेनल्टी लग जाएगी और 100% तक आपको पेनल्टी है वो 271DA में लग जाएगी। वापस से मैं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। 269ST सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, और ये सेक्शन क्या बोलती है बताए कि देखो आप किसी भी पर्सन से 2 lakh rupees या मोर आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही ले सकते हो, कैश में नहीं ले सकते। मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, मतलब गुड सेल कर सकते हैं क्या 3 lakh का किसी पर्सन को? आंसर इज नो, कैश में नहीं कर सकते। अगर कैश लिया तो ये सेक्शन लग जाएगी। मतलब किसी भी आगे वाले पर्सन से आप कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते 2 lakh rupees और मोर, या तो फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे या फिर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ इवेंट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो इस सेक्शन का वायलेशन हो जाएगा और 271DA के हिसाब से आपको 100% का पेनल्टी लग जाएगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मान लो आई कैन टेक वन एग्जांपल, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, एक पर्सन को कोई गुड सेल किया था 3 lakh rupees का गुड सेल किया, उसने 3 lakh एक ही दिन में मुझे कैश दे दिया, गुड सेल किया था 3 lakh का, एक ही दिन में 3 lakh का कैश दे दिया, क्या इस सेक्शन का वायलेशन हुआ या नहीं? आंसर इज यस, बिकॉज इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ सिंगल पर्सन मैंने 3 lakh rupees रिसीव कर दिया, इस सेक्शन का वायलेशन हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने मान लो किसी भी पर्सन को, मैंने किसी पर्सन को क्या किया कि लाइक 1 lakh rupees के 3 bills थे जो अलग अलग दिन थे,
1-1 लाख रुपीज के तीन बिल थे, लेकिन एक ही दिन उसने आज ही मुझे 3 लाख का कैश में पेमेंट कर दिया, क्या ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगी? आंसर इज यस, ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगी, आपको पेनल्टी लग जाएगी, बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल ट्रांजेक्शन तीन थे, बट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन आपने इन सिंगल डे आपने 2 लाख रुपीज या उससे ज्यादा कैश में एक्सेप्ट कर दिया, ये सेक्शन लग जाएगी, वायलेशन हो जाएगा। एक और चीज समझना, मान लो मेरा बिल है वो 5 लाख का था, बिल 5 लाख का था, मैंने एक कुछ गुड सेल किया, 5 लाख का बिल था, और उस पर्सन ने 5 डेज में मुझे 1-1 लाख रुपीस दिया, क्या ये सेक्शन लगेगी? आंसर इज यस। सिंगल डे में उसने 2 लाख नहीं दिया, लेकिन वो सिंगल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, बिकॉज ट्रांजेक्शन वॉज 5 लाख का ट्रांजेक्शन था, और उस केस में बेटा ये सेक्शन लग जाएगी और यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी। एक और चीज समझना, यहाँ पे सबसे इवेंट से रिलेटेड मतलब क्या होता है, आई कैन टेक वन एग्जाम्पल। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको मंडप, मैं आपको, मेरा एक हॉल है, ठीक है, मेरा एक हॉल है, आपकी शादी थी, और आपकी शादी थी, पहले दिन आए, आपने बोला सर हॉल भाड़े पे दे दो, मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे 1 लाख आज दे दिया। 2 दिन बाद आते हो कि सर हॉल के साथ साथ में हमको एक काम करो, एक मैंने आपको हॉल का बिल दे दिया, हॉल रेंट का, वो हो गया करके, ठीक है। अब उसके बाद 2 दिन बाद आते हो, सर खाने का फैसिलिटी भी आप ही दे देना, खाने के लिए मैंने आपको क्या किया, 50,000 का और बिल दे दिया, उसके बाद डेकोरेटर का काम भी मैंने ही किया, और वो एक इवेंट है आपकी शादी, और उससे रिलेटेड अगर मुझे 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में पेमेंट मिल गया तो ये सेक्शन लग जाएगी, और उस केस में बेटा ये सेक्शन है, ये सेक्शन लग जाएगी, और यहाँ पे पेनल्टी 271DA में लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना, CBDT के कुछ क्लेरिफिकेशन वगैरह है, वो आप एक बार रीड कर लेना करके, ठीक है। नोटिफिकेशन है कि कहाँ कहाँ ये सेक्शन नहीं लगेगी, जैसे आप बैंक से कैश विदड्रॉ करते हो, या फिर बैंक में जब आप जमा करवाते हो, तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो बैंक से जब आप कैश विड्रॉ करोगे, मैंने आप 3 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ किया, बैंक वाले ने मुझे दिया तो मैंने एक्सेप्ट किया 2 लाख से, 2 लाख या उससे ज्यादा, तो क्या ये सेक्शन लग जाएगी? आंसर इज नो, ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो उसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो आप एक बार देख लेना, मैंने 3 एग्जाम्पल दे रखे, बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दे रखे, वो आप रीड करोगे तो आपको ये पूरी सेक्शन है वो समझ में आ जाएगी। उसके बाद 269TA बोलती है कि आप किसी को भी लोन या डिपॉजिट है, लोन डिपॉजिट को रीपे कर रहे हो, लोन पहले आपने लिया था, डिपॉजिट लिया था एडवांस इन रिलेशन टू इमोवेबल प्रॉपर्टी, उसका अगर आप रीपे कर रहे हो और इन रीपे कर रहे हो और वो 20,000 या उससे ज्यादा है, तो आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। अगर आप किसी और मोड से करते हो तो उस केस में बेटा पेनल्टी लग जाएगी 271E में 100%। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन 68 दे रखी है, 68 क्या बोलती है, कैश क्रेडिट क्या बोलती है, कि अगर आपके अकाउंट में किसी भी कोई क्रेडिट हुआ है, आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट हुआ है, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर मान लो डिपार्टमेंट को आपने एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है करके, ठीक है, या आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, आपसे पूछा कि आपके बैंक में ये पैसा कहां से आया था, आपने बोला पता नहीं कहां से आया था, तो पता नहीं कहां से आया था, तो उस केस में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, और वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। और एक और बात बता दूं, यहां इंटरेस्टिंग पार्ट, सेक्शन होती है 115BBE, और BBE क्या बोलती है कि कैश क्रेडिट वगैरह ये जो होता है, इसके केस में आपको टैक्स लगेगा, वो टैक्स रेट 60% रहेगी, और उस पर आपका जो सरचार्ज रहेगा, वो सरचार्ज भी आपका 25% सरचार्ज रहेगा, तो 60+ सरचार्ज 25% मतलब 15% सरचार्ज आ जाएगा टोटल मिला के, तो 75+4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से 78% आपको टैक्स लग जाएगा, अगर कैश क्रेडिट वगैरह आपके अकाउंट में आया और आपको पता नहीं, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, समझने की कोशिश करना, अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी का अकाउंट में कुछ क्रेडिट हुआ और क्लोजली हेल्ड अकाउंट कंपनी के अकाउंट में कोई क्रेडिट हुआ, किसी का शेयर एप्लीकेशन वगैरह मनी, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मैंने बीबी वर्चुअल्स के अकाउंट में कुछ क्रेडिट किया, तो बीबी वर्चुअल्स ने तो बता दिया ये पैसा कहां से आया, बीबी सर से आया, सीधी सी बात है। अब एक बात समझना, मेरे को पूछा कि तूने ये पैसा कहां से कमाया था, तो मैं अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूं या मेरी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो बीबी वर्चुअल की इनकम मानी जाएगी। तो समझने की कोशिश करता, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी के अकाउंट में कोई शेयर एप्लीकेशन मनी वगैरह आया है और जिस पर्सन ने दिया है वो पर्सन की अगर पर्सन की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या पर्सन जिस पर्सन जो डिपॉजिट किया उस पर्सन की एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो उस क्लोजली हेल्ड कंपनी की इनकम मान ली जाएगी। नेक्स्ट पार्ट 69 ये बोलता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट है आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो उस केस में बेटा वो सीधा आपका इनकम मान लिया जाएगा। अनएक्सप्लेन मनी, आपके पास कोई अनएक्सप्लेन मनी मिल जाती है जो आपने पहले एक्सप्लेन नहीं की थी, वो सीधा आपकी इनकम बन जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 69B ये बोलती है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स, अगर आपने बुक्स में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने 500 ग्राम गोल्ड खरीदा है, अब 500 ग्राम गोल्ड कितने का आता है पता है, 500 ग्राम गोल्ड है मान लो 1 करोड़ का आता है, और मैं बोलता हूं मैंने 500 ग्राम गोल्ड सिर्फ 30 लाख में खरीदा है, ठीक है, तो यहां पे 500 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, मैंने इन्वेस्टमेंट पार्टली रिकॉर्ड किया है बुक में, मेरे पास आधा किलो गोल्ड है तो आधा किलो गोल्ड का 1 करोड़ लगना चाहिए, बट मैं बोलता हूं मैंने तो उसने ब्लैक वगैरह पैसा मैंने यूज किया होगा, और मैं बोलता हूं मैंने तो सिर्फ 20 लाख में खरीदा है करके, ठीक है, तो उस केस में बेटा यहां पे ये सेक्शन 69B लग जाएगी। और लास्ट सेक्शन 69C और 69D, 69C ये बोलती है कि अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अगर आपने कोई खर्चा किया तो आपको
आपको ये बताना पड़ेगा वो पैसा कहाँ से लाया था। अगर आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, तो उस केस में वो आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। अगर आपने कोई अमाउंट बोरो या रीपे किया है हुंडी पे करके, ठीक है, हुंडी लोन पे वगैरह, ठीक है, ये पहले चलता था, तो उस केस में वो आपकी इनकम मानी जाएगी। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी ये इनकम मानी जाएगी तो उस केस में, जब भी ये इनकम मानी जाएगी तो उस केस में, जब भी ये इनकम मानी जाएगी तो उस केस में क्या होगा, जब भी ये इनकम मानी जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि आपकी टैक्स रेट है वो 60% रहेगी, और उसके साथ में आपको वहां सरचार्ज 25% लगेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको 4% लगेगा। ठीक है, चलो, सो यहां पे अपन आज का रिवीजन लेक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं। और जैसे लेक्चर में कंप्लीट करता हूं, हर बार आपको मैं कुछ ना कुछ बोलता हूं, तो इस बार भी मैं आपको बोल रहा हूं करके, ठीक है। देखो बेटा, टाइम बहुत कम है करके, ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, बीजेपी कांग्रेस मत करते रहना करके, ठीक है, जो जीतना है वो जीत जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने को करके, ठीक है, आपकी जीत तब है जब आप पास हो जाओगे करके, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट तब बनेगी जब आप पास हो जाओगे करके, ठीक है। मोदी जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, सबको छोड़ो करके, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम करके ऑन द सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया पे आप मैसेज भेज रहे हो सबको, 5 लोगों को भेजो, ये भेजो, वो भेजो, वो सब छोड़ो करके, ठीक है। और इलेक्शन में ऑब्वियसली आपको वोट देने जाना है, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप किसी को भी वोट दो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, वोट देना करके, ठीक है। आपके पास जब भी, मुझे पता है एग्जाम टाइम है, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट आधा घंटा निकाल के आप लोग वोट करना, बिकॉज बहुत जरूरी है अपनी कंट्री के लिए कि आप वोट करो करके, ठीक है। और उसके साथ में आपको पढ़ाई करनी है, वो तो करते रहना है। ये जो टाइम है, ये टाइम सिर्फ एंड सिर्फ 3 चीजों में लगाना है, एक तो पढ़ने में, सोने में, और खा रहे हो, खाना खाने में, पढ़ने में, सोने में, इन तीनों को छोड़ के आपके पास कुछ भी नहीं है। व्हाट्सएप वगैरह करो बंद करके, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद करो, मोबाइल को फेंक दो, और सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि मैं बता दूं, सीए बनने के बाद का जो मजा है वो अमेजिंग है। सीए बनने के बाद जो फील होता है, दैट इज द अमेजिंग फीलिंग। लाइफ में पहली बार आपको रोना आएगा, और वो खुशी से रोना आएगा, कब पता है तुमको, जब आप सीए बन जाओगे। सो वो दिन को फील करोगे जिस दिन आप सीए बन रहे हो, क्या लगेगा आपके पेरेंट्स को, क्या लगेगा आपके जानने वालों को, क्या लगेगा हमको, हमको कितना प्राउड फील होगा कि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की, हमने आपको रिवीजन लेक्चर दिए और आप लोगों ने सीए बने करके, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को जब स्टूडेंट पास होते हैं, और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, मैं आपको रिवीजन लेक्चर दे रहा हूं, आपका मेरे से ये प्रॉमिस होना चाहिए कि हाँ सर, हम आपको पास होके बताएंगे करके, ठीक है। तो अपनी 100% दे दो, लगा दो अपना, जितना हो सकता है वो लगा दो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। थैंक्स अ लॉट पीपल।